प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने खुर्जा पहुंचे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डाली हो तो सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर काम करते हैं। इनकी संवेदना तब होती है जब माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलता है। परेशान गरीब पर किसी की संवेदना नहीं होती। गरीबों की मदद हो इसमें विपक्ष का कोई सहयोग नहीं मिलता। कमजोर लोगों को सहायता मिले इसमें उनका कोई सहयोग नहीं मिलता। साथ में शांति और सौहार्द को उनका सहयोग नहीं मिलता। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब ये तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। कमजोर के लिए नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है, महिला सुरक्षा के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए इस पर भी नहीं है। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना तो तब जगती है जब माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है। योगी ने आगे कहा कि माफियाओं के घर पर पैसा जमा करवाते थे, अपराधियों को शागिर्द बनाकर उनसे तमंचा बनवाते थे और उसी तमंचे से व्यापारियों को लूटा जाता था। केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। योगी ने कहा कि हम अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनवा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में तैयार तोप पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेंगी और उत्तर प्रदेश का युवा तोप पर बैठकर पाकिस्तान में दागेगा। तब पता चलेगा कि तोप भी उत्तर प्रदेश की और युवा भी उत्तर प्रदेश का। बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनी हुई तोप जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाकों पर सवाल करेगा। जब बुलंदशहर का नौजवान उस तोप पर बैठ करके और पाकिस्तान पर दागेगा तो पूरे भारत के अंदर खुशहाली की लहर होगी कि तोप भी बनी है उत्तर प्रदेश में, नौजवान भी है उत्तर प्रदेश में। योगी ने विपक्षी दलों पर मंच से संबोधन करते हुए हमला किया कि पहले लोग डकैती डलवाते थे, व्यापारियों को लूटते थे, राहजनी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अपराधी गले में तख्ती डालकर रहम की भीख मांगता है। पहले अपने लिए लोग डकैती डलवाते थे, व्यापारियों के साथ लूटपाट करते थे, रात चलते हुए राजनों से राहगिरी करते थे। अब राहगिरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, दंगा नहीं होता। अब ये दंगाई और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें तमंचे बनवाती थी, अपराधी उनके मित्र होते थे, लोगों की गाड़ी कमाई लूटकर इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जमा करवाते थे। हमने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी चलाकर रुपया बरामद करवा लिया। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी क्योंकि अपराध उनका पैसा था, अपराधी उनके मित्र थे, जनता की गाड़ी कमाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को निकाला। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर खुर्जा के एनआरसी डिग्री कॉलेज में उतरा, जिसके बाद सीएम खुर्जा के जटिया अस्पताल में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सीएम योगी ने खुर्जा विधानसभा सीट की प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने की खुर्जावासियों से अपील की। इस दौरान मंच पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजीव बंसल, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह खटीक,
खुर्जा विधानसभा सीट की प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह और मीडिया प्रभारी प्रेम प्रकाश अरोरा आदि मौजूद रहे। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।